हे गाइस, दिस इज़ मी स्वाति एंड ये जो हमारा ट्यूटोरियल है आज का, दिस इज़ अबाउट IPv6। IPv4 तो आपने डेफिनेटली पढ़ा ही होगा, जिसमें हमने देखा है कि IPv4 जिसमें 32 बिट्स होती हैं एंड IPv4 अब अबाउट टू एक्सटिंक्ट है। रीज़न बीइंग क्योंकि अभी तक हमारे पास बहुत सारे IPv4 एड्रेसेस यूज़ हो चुके हैं एंड पूरे वर्ल्ड में हम IPv4 एड्रेसेस यूज़ कर रहे हैं, तो बहुत ही जल्दी IPv4 एड्रेसेस जो हैं ख़त्म हो जाएंगे। सो दैट्स वाई वी हैव स्टार्टेड यूजिंग IPv6। तो आज हम पढ़ेंगे IPv6 के बारे में। तो IPv6 क्या है? IPv6 एक IP एड्रेस ही है जिसमें IPv4 जिसमें 32 बिट्स होती है, लेकिन IPv6 में हम यूज़ करते हैं 128 बिट्स। IPv4 हम डेसिमल नोटेशन में लिखते हैं, लेकिन IPv6 हम हेक्साडेसिमल नोटेशन में लिखते हैं। IPv4 जो है वो नॉर्मल डेसिमल नंबर्स में लिखा जाता है, लेकिन IPv6 क्योंकि हेक्साडेसिमल में लिखा जाता है एंड 128 बिट्स पूरी करनी है हमें, तो हम इसको 32 हेक्साडेसिमल नंबर्स में लिखते हैं। क्योंकि हमें पता है कि एक हेक्साडेसिमल में 4 बिट्स होती हैं, तो 32 × 4 बिकम्स 128। तो इस तरह से टोटल 128 बिट्स बनती हैं। अगर हम इसको रिटर्न फॉर्म में देखें तो IPv6 जो है इसमें 4 बिट्स के जो है 8 ग्रुप्स बनते हैं, और टोटल अगर देखा जाए तो इसमें हम जो सेपरेटर लेते हैं दैट इज़ कॉलन, एंड इसको लिखने का तरीका है जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हो, दैट इज़ 2000 :0000 :0000 :882E :0370:73340। सो दैट मीन्स कि IPv6 में हम नंबर्स लेते हैं फ्रॉम 0 to 9, एंड इसके अलावा हम इसमें अल्फ़ाबेट्स लेते हैं हम फ्रॉम A to F। तो इस तरह से आप 128 बिट्स को डिवाइड करते हो नेटवर्क एंड इंटरफेस आईडी में। IPv4 में हमने पढ़ा था कि हम IPv4 की टोटल 32 बिट्स को डिवाइड करते हैं नेटवर्क बिट्स एंड इनटू द होस्ट बिट्स। उसी तरह से IPv6 में भी हम 128 बिट को डिवाइड करते हैं नेटवर्क प्रीफिक्स में एंड इंटरफेस आईडी में, एंड टोटल जो IP एड्रेसेस फ्रॉम IPv6 हमें मिलेंगे दैट वुड बी 3.4 × 10⁻³⁸। तो IPv6 की अब नेटवर्क एंड इंटरफेस आईडी देखते हैं क्या होता है। जो IPv6 में पहली 64 बिट्स हैं, 28 का हमने हाफ किया, 64 बिट्स, पहली 64 बिट्स हैं उसको हमने जो 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, फर्स्ट इज़ अपर सेगमेंट एंड सेकंड इज़ लोअर सेगमेंट। अपर सेगमेंट को राउटिंग के लिए यूज़ किया जाता है। राउटिंग मीन्स कि जब हमें नेटवर्क पाथ सेलेक्ट करना होता है तो हम अपर सेगमेंट्स यानी कि फर्स्ट 64 बिट्स चेक करते हैं, एंड लास्ट 64 बिट्स हम नेटवर्क में पहुंचने के बाद किस पर्टिकुलर डिवाइस तक हमें डाटा पहुंचाना है, तब हम यूज़ करते हैं लोअर 64 बिट्स। सो हम यहाँ पर देखते हैं फ्रॉम टोटल 0 to 128 बिट्स हमने IPv6 को डिवाइड किया नेटवर्क एंड इंटरफेस आईडी में। इंटरफेस आईडी को फर्दर डिवाइड किया जाता है ऑर्गेनाइजेशनल यूनिक आइडेंटिफायर एंड NIC स्पेसिफिक में। जब कोई कंपनी IPv6 असाइन करती है तो वहाँ पर वो अपना एक यूनिक नंबर लगाती है, एंड उसके बाद उसके 24 बिट्स के बाद इंसर्ट किया जाता है FFE, और उसके बाद NIC स्पेसिफिक जो आपके PC का NIC कार्ड होगा उसका NIC नंबर, उसका फिज़िकल एड्रेस, उसका MAC एड्रेस। तो इस तरह से टोटल बनता है 64 बिट्स, राइट। इसमें अभी एक्सप्लेन करते हैं हम कि अगर हम 64 बिट्स को डिटेल में देखें तो 2 हमने ब्लॉक्स में डिवाइड किया है, 48 एंड इनटू 16 बिट्स। 48 बिट्स जो कि मैंने अभी आपको कहा कि अपर 48 बिट्स जो ग्लोबल नेटवर्क एड्रेस होता है, एंड 16 बिट्स जो है वो FFE जो हमने अभी इंसर्ट किया दैट वो 68 बिट्स। तो टोटल 48 + 16 बिकम 64, जो कि लोअर IP एड्रेस की लोअर बिट्स है, 64 बिट्स हैं। तो ये उसकी एक्सप्लेनेशन है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि जब IPv6 टोटल बनता है तो ये बनता कैसे है। First of all RIR that is Regional Internet Registry. Regional Internet Registry हमारे ISP को 12 बिट्स असाइन करती है। उन 12 बिट्स में ISP अपना नंबर ऐड करने के बाद टोटल 32 बिट्स बनाता है एंड वो साइट एड्रेसेस वो बनता है। हमारा साइट एड्रेस बन गया। अब साइट एड्रेस में नंबर्स और ऐड करके हमारा सबनेट एड्रेस बनता है। सो इस तरह से लेवल बाय लेवल IPv6 एड्रेसेस बनते जाते हैं। तो ये पहली 64 बिट्स हो गई। पहली 64 बिट्स हम किसी डिवाइस को असाइन करते हैं एंड लास्ट वाली 64 बिट्स जो हमने देखा मैक एड्रेस के बेसिस पर अपने आप डिवाइस असाइन कर लेता है। सो टोटल बिकम्स 64 + 64 बिकम्स 128।